नमस्कार दोस्तों, झारखंड राज्य में कोरोना बहुत तेजी से अपना पांव पसारते जा रहा है। बोकारो में दो और संदिग्धों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, चलिए जानते हैं विस्तार से। झारखंड के बोकारो में कोरोना के दो मरीज मिले हैं। रविवार शाम आई रिपोर्ट में दोनों पॉजिटिव पाए गए। राज्य के स्वास्थ्य सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने इसकी पुष्टि की है। अब झारखंड में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 19 तक पहुंच गई। नए मिले दो मरीजों को मिलाकर बोकारो में कोरोना के कुल 8 मरीज मिल चुके हैं। इनमें एक की मौत हो चुकी है। बोकारो में मिले नए मरीजों के बारे में बताया जा रहा है कि वे उसी साड़म गांव के रहने वाले हैं, जहां के एक बुजुर्ग की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है। अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक यह दोनों उस बुजुर्ग के संपर्क में आए थे, इसलिए प्रशासन ने इन्हें पहले ही क्वारंटाइन में रखा था। रांची में अब तक कोरोना के 8 मरीज मिल चुके हैं। यहां भी एक मरीज की मौत हो चुकी है। इसके अलावा हजारीबाग के दो मरीज और कोडरमा के एक मरीज में कोरोना का संक्रमण पाया गया है। वहीं राज्य में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर झारखंड सरकार चिंतित है। इससे निपटने के लिए हर जरूरी कदम उठा रही है। इसी उद्देश्य से सरकार ने राजधानी रांची के इटकी और धनबाद के पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दो नए जाँच केंद्रों की शुरुआत की है। धन्यवाद।